नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 3 अगस्त 2024। साथियों, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो देखेंगे, इसके अलावा साथियों अपने सोजर साथ भी हैं जो देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास रहता है साथियों की 10 मिनट की यह क्लास हो, और इससे बाहर साथियों आपका है जो राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के पदक जीतने पर प्रदेश के किस कलाकार ने इंडिया हाउस में प्रस्तुति दी? तो आंसर हो जाएगा साथियों अनवर हुसैन। पेरिस ओलंपिक के अंदर साथियों जो मनु भाकर है हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है, उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं, और पहली बार वो पहली महिला बनी है जिन्होंने भारत के लिए साथियों एक ही ओलंपिक के अंदर है 2 पदक जीते हैं। एक इन्होंने साथियों व्यक्तिगत के अंदर जीता था शूटिंग के अंदर, दूसरा साथियों है जो मिश्रित युगल का है जिसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और उनके पदक जीतने पर साथियों प्रदेश के जो कलाकार हैं अनवर हुसैन, उन्होंने उन्होंने इंडिया हाउस में प्रस्तुति है जो दी है। ये देखिए, जयपुर के अनवर हुसैन के बॉलीवुड महाराजा बैंड ने पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर के पदक जीतने पर प्रस्तुति दी है। रिलायंस फाउंडेशन और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से इंडिया हाउस ओलंपिक में कार्यक्रम के दौरान उनके ग्रुप ने यह प्रस्तुति दी है। तो साथियों जो इंडिया हाउस है वो बनाया गया है, उसके अंदर साथियों किसका सहयोग है? रिलायंस फाउंडेशन और भारतीय ओलंपिक संघ का सहयोग है साथियों। वो पहली बार है जो पेरिस के अंदर बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि अनवर हुसैन जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने राजस्थान संगीत संस्थान से भी शिक्षा ली है। अपने बैंड के साथ अभी तक यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुबई में ये कार्यक्रम कर चुके हैं। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है पूछ लेगा। अपने को हर प्रकार से तैयार रहना, और मात्र 10 मिनट के अंदर साथियों आपको ये भरपूर कंटेंट मिल रहा है जिससे बाहर आपका करंट अफेयर्स है जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में किस राज्य की तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है लागू किया जाएगा? तो साथियों ये अभी चर्चा चल रही है, और इसके अंदर साथियों जो जानकारी निकल कर आ रही है वो जो उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो नियम लागू हैं वो यहाँ पर अपने लागू किए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर प्रदेश में लाया जाएगा। इसमें बहुव्यापार रोक जैसे प्रावधानों को है जो इसके अंदर है शामिल किया गया, और उत्तराखंड साथियों पहला राज्य था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो लागू किया था। तो ये चर्चा में था, तो मैंने सोचा आपके साथ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो शेयर कर दी जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहेवियर एक्सपेरिमेंट लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से 1.22 करोड़ की लागत से बिहेवियर एक्सपेरिमेंट लैब का निर्माण किया। इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछे भी किसने किया, तो सूचना व प्रौद्योगिक मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया। निर्माण किसने किया? भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से 1.22 करोड़ की लागत से है जो साथियों इसका निर्माण किया गया है, और जयपुर के अंदर, और उसके अंदर साथियों उद्घाटन किसने किया है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा है जो उद्घाटन इसका किया गया है, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ने बजट पारित करते हुए 29 जुलाई 2024 को किन 2 शहरों में नए विकास प्राधिकरण बनाए जाने की घोषणा की? तो भरतपुर और बीकानेर के अंदर है जो साथियों घोषणा की है। इसके अलावा साथियों जो घोषणा हुई है वो अपने सूजेस के अंदर आगे देखेंगे, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपके साथ सारा शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ भी आपको इस सेशन की वहां से मिल जाएगी, यानी जो भी चीजें हैं वो वहां से आप याद भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो विजय दान देता साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। सीधा का सीधा आपको ये क्वेश्चन है याद रखना है, और आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए साथियों राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने हेतु कौन सा उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा विजय दाने देता उत्सव का आयोजन, देता साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नशा मुक्ति जागरूकता हेतु हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा मानस अभियान है जो साथियों चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान है? मानस अभियान है जो चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा नशे को रोकने के लिए।
अब अपने साथियों सुजस सारे देखते हैं जो ये चीजें इंपॉर्टेंट है रहेगी। मुख्यमंत्री ने जो प्रदेशवासियों को सौगातें दी है साथियों, वो अपने इसके अंदर देख लेंगे। भरतपुर बीकानेर में यूआईटी होंगे विकास प्राधिकरण, ये देखिए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगी भर्तियां। बार काउंसलिंग को एक बार ये सहायता के रूप में 7 करोड़ सॉरी साथियों 50 लाख रुपए हैं जो मिलेंगे। एनएफएसए के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर है। इसके अलावा साथियों 2 वर्ष में 1000 करोड़ रुपये व्यय कर सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 के स्थान पर 1000 बसें हैं जो चलाई जाएगी। जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। 10,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों व निकटवर्ती गाँव को शामिल करते हुए 100 क्लस्टरों में चरणबद्ध रूप से फेकल सेल्स मैनेजमेंट के कार्य किए जाएंगे। बिसलपुर पेयजल योजना में 550 करोड़ की लागत से पेयजल संबंधी 9 कार्य किए जाएंगे। वाटर टेस्टिंग लैब को NABL से मान्यता दिलाने के लिए साथियों 15.50 करोड़ रुपए। दौसा शहर में सीवरेज मास्टर प्लान, सूरजगढ़ झुंझुनू साउथ कोटा में सीवरेज लाइन के लिए कार्य किए जाएंगे साथियों। इसके अलावा MSCIL और गेल से MU कर 4100 मेगावाट क्षमता का सर्जन किया जाएगा। कुसुम परियोजना मॉडल से 1100 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कैपेटिव पावर उत्पादन की सीमा 100% से बढ़ाकर साथियों 200% की जाएगी। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की जो राशि है उसकी सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की जाएगी। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कुशियासर 12 एवं जहाजपुर शाहपुरा में औद्योगिक पार्क व अजमेर में IT पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अजमेर के अंदर IT पार्क विकसित किया जाएगा और शाहपुरा में औद्योगिक पार्क है जो साथियों इसके अंदर किया जाएगा। इसके अलावा साथियों स्किलिंग एप्रेंटिसशिप के लिए PM पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक युवाओं को लाभ। दस्तावेज सत्यापन विभागीय स्तर पर होगा। विज्ञप्ति उपरांत रिक्तियों की संख्या में 50% की वृद्धि का प्रावधान है वह किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा साथियों ये तो आपने देखा था RHUS का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। प्रतिवर्ष विजय दान देता साहित्य उत्सव विभिन्न आस्था केंद्र पनोरमा एवं बावड़ी संबंधी विकास कार्य जयपुर जोधपुर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीन कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। अग्निवीरों युवाओं को पुलिस जेल प्रेरित भर्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। 100 सीटर राज्य स्तरीय अभय कमांडर सेंटर अजमेर जयपुर स्थित राजस्व मंडल में और कर बोर्ड का एकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा साथियों राजस्थान कॉन्चुकल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत है जो साथियों इसके अंदर है जो इन पर कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा गौशाला के बारे में दिया गया है 70 से 75 वर्ष के पेंशनधारियों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको PDF में मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों प्रदेश में सम्मान नागरिकता संहिता लागू करने पर विचार किया जा रहा है, ये मैंने आपके साथ जानकारी साझा कर दी है। इसके अलावा देखिए साथियों अंगदान जागरूकता के लिए रोड शो का आयोजन है जो किया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है। कृषि आदान परीक्षण के लिए 15 प्रयोगशालाएं हैं जो संचालित की जाएगी। बिजासन माता मंदिर में रोपवे की शीघ्र ही DPR बनेगी, ये इसके अंदर बताया गया है। ये सब है। इसके अलावा SSRP नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख है जो 10 अगस्त बढ़ा दी गई है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HMSRP लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसलिए इसके लिए बुधवार को आदेश जारी किया। इस तिथि तक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बुकिंग स्लिप दिखाने पर भी चालान है जो साथियों बचा जाएगा। ये सब चीज़ें साथियों इंपॉर्टेंट थी। प्रदेश में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए गंभीरता से हैं जो प्रयास किए जा रहे हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह का रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में सम्मान नागरिकता संहिता लागू करने पर है जो साथियों विचार चल रहा है। इसके अलावा साथियों जो मुख्यमंत्री की जो महत्वपूर्ण सौगातें थी और वहाँ से भी अगर आपका कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बने तो गलत नहीं होना चाहिए। आज के सेशन के अंदर इतना ही साथियों, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने कम समय में आपका समय बचाते हुए जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो शेयर करने का प्रयास किया है।
यहाँ वास्ट टाइम का खेल नहीं है साथियों, वही कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है जहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास है मैं कर रहा हूँ। यह प्रयास अगर सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग देने का भी काम आपको करना है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से, PDF आपको निःशुल्क साथियों डेली मिलती रहेगी। मंथली जुलाई महीने की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। और मैंने बहुत कम समय में 40 मिनट की वो क्लास है साथियों, मात्र उसके अंदर वो जानकारी मैंने आपको शेयर की है। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे कल एक नए सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से और अपने दोस्तों में भी साथियों शेयर करते रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।